हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले बार मैंने एक वीडियो आपको दिया था, वो चैलेंजिंग क्वेश्चन जो थे टॉप फाइव, वो फाइव क्वेश्चन थे जिसमें आपको मैंने कहा था वो फाइव में कौन ज़्यादा कहने वाला वो क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा देता है। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस आंसर देने से पहले मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन मैंने देने का पर्पज़ क्या था। बस ये पाँच क्वेश्चन ये एनफ नहीं है, मुझे तो ज़्यादा क्वेश्चन देना चाहिए था। बस ये ट्रायल था कि आप लोग में इसमें इंटरेस्ट लेते हो कि नहीं। अब बट इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही ज़्यादा लोग आंसर देना पसंद करते हैं। एक्चुअली व्यू के मुताबिक नहीं ज़्यादा व्यू जाता है इस वीडियो में और ना ही कमेंट जाते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इससे फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि जो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ उसमें ज़्यादा डिटेलिंग में जाके आपको आंसर तो करूँगा ही, आंसर बताऊँगा ही। और इसमें एक फ़ायदा क्या होता है आपको कि आपको कम से कम बहुत सारे, अगर आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर देते हो कमेंट करके, तो आपस में पता चलता है कि कौन किससे अच्छा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होती है, मतलब कंपटीशन का लेवल पता चलता है इसके थ्रू। मान लो कि तो ये तो पांच क्वेश्चन थे ना, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते तो मैं 25 क्वेश्चन करता, फिर 100 क्वेश्चन करता। बट आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर 50 से ज़्यादा कमेंट आते हैं इस तरह के वीडियो बनाने के लिए तो मैं उससे बनाऊँगा, बट 50 से कम कमेंट आए तो फिर मैं इस तरह के वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं सारे क्वेश्चन का। जितने व्यू गए, जितने भी लोगों ने इंटरेस्ट लिया, तो उन लोगों के लिए मैंने इसका आंसर किया। और जो लोग कमेंट उस वीडियो में नहीं किए हैं और उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ले लोगे आप, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, एक्चुअली आपको क्वेश्चन यहाँ से ही मिल जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, इसमें काफ़ी आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। देखिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हीलियम कितना परसेंट होता है। हमारे पास चार ऑप्शन थे, बट आपके पास सही आंसर क्या था, बहुत सारों ने गलती किया। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सूर्य क्या एक गैसीय गोला है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, है ना। सूर्य एक गैसीय गोला है और जिसमें हाइड्रोजन लगभग 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है, और बाकी सारे गैस जो अदर्स है 2.5% में वो मिक्स रहते हैं। तो आपको यहाँ से 100% हो जाते हैं सारे, है ना। तो इसका तापमान जो होता है केंद्र का होता है 1.5 × 10⁻⁷ सेंटीग्रेड होता है, और बाहरी तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, और इसके एक क्वेश्चन से हमने इतने सारे चीज़ देखे हैं इस डिस्कशन में। आपको एक क्वेश्चन से कम पाँच क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में इंटरेस्ट ना लेना, कहने लोग अपना नॉलेज को थोड़ा सा आप लोग कम करते हो। चलिए, चंद्रमा पर स्थित लिमिटिस पर्वत है, ठीक है, वो तो है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव पर है, पूर्वी ध्रुव पर, मतलब कहने का किस पोल पे, किस ध्रुव पर है ये पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन। लिमिटेड पर्वत जो है चंद्रमा पे, वो किस ध्रुव पे है, ठीक है। तो चलिए हम आगे उसका आंसर देख लेते हैं। वो लिमिटेड पर्वत जो है वो चंद्रमा पे है, अपने क्वेश्चन में देख लिया है तो, लेकिन वो दक्षिणी ध्रुव पे है, साउथ पोल पे है, और इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 10668 मीटर है इसकी ऊंचाई। एक क्वेश्चन से इसमें भी लगभग आपको दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए, क्वेश्चन हमारा तीन था, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है, वाट का चिन्ह उसका मतलब वही क्या है। चार ऑप्शन थे हमारे पास, टाइम्स बैंक, AXB बैंक, UTI बैंक और सेंचुरियन बैंक। तो सही आंसर क्या है और उसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग करते हैं हम। चलिए देखिए, जैसे कि आपको नहीं पता होगा तो भी पता चल जाएगा कि एक्सिस बैंक लिमिटेड एक्सिस बैंक का पूरा नाम है, ठीक है। और ये से कब रखा गया नया नाम, ये तो 30 जुलाई 2007 को, तो इस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन पुराना नाम क्या है वो देखो, पूरा नाम उसका, पुराना नाम है UTI बैंक, ठीक है, उसका पुराना नाम। और उसकी स्थापना 28 फरवरी 1994 ईस्वी में हुई थी, और इसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। और इसे 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और पुराना नाम क्या है, UTI बैंक, इतना याद रखना आप। चलिए चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें काफ़ी लोगों ने कुछ अजीब ही आंसर दिया था, तो इसका आंसर आप देख सकते हो। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, पहला है 26 मील, दूसरा है 385 गज, और सी हमारा 42.195 किलोमीटर, और डी में है तीनों, और ई क्या है, इनमें से कोई कोई सीमा नहीं है, मतलब जितना मन उतना दौड़ जाओ, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि मैराथन दौड़ जब है, दौड़ है, एक रेस है, कंपटीशन है, तो आपको जितना मन उतना दौड़ जाओ, उसके बाद थक जाते हो तो आगे पढ़ाई कर लो, ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता। तो आपको ई आंसर नहीं हो सकता है, इन्हीं में से कोई एक होगा, तो जिसका मैथ अच्छा है तो उसको ये पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर वो बहुत जल्दी पकड़ लेता,
अगर नहीं ठीक है तो आप आंसर देख लो। देखो मैराथन दौड़ जो है उसकी दूरी होती है 26 मील, या फिर 385 गज, या फिर 42.195 किलोमीटर। ये तीनों का वैल्यू सेम है। अगर मील को हम गज में चेंज करेंगे तो 26 मील को तो 385 गज आ जाएगा, और 385 गज को हम, या फिर 26 मील को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 42.195 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब तो ए बी सी तीनों आंसर हो गया, तो हमारे पास डी ऑप्शन था कि तीनों आंसर होगा, तो ये इसका आंसर बहुत कम लोगों के पास था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है। और इसका क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट थोड़ा सा जुम। हाँ देखिए, डार्विन किस जहाज से बादल, ऑप्शन है बी में है बीगल, सी में है बीमल और डी में है बिगन। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाने की, इसके बस नाम है तो बस बीगल से, और डार्विन ने क्या किया था, पूरे ये जहाज़ का नाम है बीगल, जिसे कि डार्विन ने पूरे विश्व का भ्रमण किया था। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जान नहीं सकते कि बीगल कब बनाया गया था, तो जितना जानना था आपने जान लिया। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरेस्ट हो इस टाइप के वीडियोस में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीक में इस टाइप का एक वीडियो मैं दूंगा, जिससे आप कंपटीशन का लेवल पता चलता है। अगर नहीं इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं, 50 से कम कमेंट आएंगे तो नहीं है, जो तैयारी चल रही है दो एयरफोर्स नेवी का वो अच्छा है। थैंक यू फ्रेंड्स।